बसमिल जी तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं सब खरीद से होंगे वेलकम बैक टू हुंडाई स्टूडियो माई यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप भाइयों की खिदमत में हुडाई शाहजोर लोडर गाड़ी लेकर हाज़िर हुआ हूँ मॉडल है इस गाड़ी का 2006 लाहौर का इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है गाड़ी की कंडीशन गाड़ी की प्राइस और रबता नंबर इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा तफ़ीलत शुरू करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अगर आप हुडाई शाहजोर गाड़ियों का शौक रखते हैं बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली दी की घंटे को प्रेस करने के बाद आल पर क्लिक लाजमी करें इन शो ही वीडियोज यहाँ पर मिलती ही रहेंगी वेलकम बैक टू हंडाई स्टूडियो माई यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका मेजबान जुल्फकार सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं और एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ दोस्तों के मेरा कोई ज़ाती शोरूम वगैरह नहीं है मैं मुख्तलफ़ जगह से गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ और गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ और आप भाइयों की खिदमत में लेकर हाजिर हो जाता हूँ तो दोस्तों ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं हंडाई शाहजोर लोटर गाड़ी 2006 मॉडल है लाहौर का इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है मजीद आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं वीडियो में कुपे लगे हुए हैं ये गुलाइया गाड़ी की ओरिजिनल है मजीद गाड़ी का डैशबोर्ड भी बिल्कुल ओके की आवाज वाला क्लियर इस गाड़ी का जो इंजन गेयर हिस्सा बिल्कुल ओके की आवाज वाला बिल्कुल ठीक है डॉक्यूमेंट्स गारंटी से इस गाड़ी के बिल्कुल क्लियर है इस गाड़ी का मैं आपों को इंजन भी दिखा देता हूँ पहले आप गाड़ी का चेकअप कर लें गाड़ी देख लें गाड़ी का डैशबोर्ड देखें सीटें भी गाड़ी की देख सकते हैं बिल्कुल ओके कैबन है अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में और गत्ते वगैरह भी गाड़ी के ठीक है तकरीबन यहां से आप गाड़ी देखें और माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल लश कंडीशन में है इस गाड़ी का जंगला वगैरह हर चीज लगी हुई है ये गाड़ी परचेज़ करने के बाद आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा मजीद दोस्तों आप गाड़ी की चेकअप करते जाएं। ये आप दरवाजे के नीचे वाली साइड यहाँ पर आपको खुद पंचर लगवाना पड़ेगा दोस्तों ये नहीं कि मैं कोई किसी भी गाड़ी का रिव्यू करूँ और उस गाड़ी की सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही बताऊँ और बुराई ना दोस्तों मेरा जो आ, मकसद है आप कहीं से भी आएँ इन जो वीडियो के अंदर मेरी आवाज़ होगी उसमें फ़र्क नहीं आएगा मजीद इस गाड़ी में बाहर से कुछ टचिंग बिल्कुल है और शावर की मकसद की आवाज मैं आपको दे रहा हूं मजीद आपको कुछ यहां पर आप देख सकते हैं मेरी कोशिश यही होती है कि गाड़ी के अंदर जो भी कमी पेशी हो वो आपको मैं वीडियो के अंदर ही बताऊं ठीक हो गया और मजीद इस साइड पर चलते हैं गाड़ी के टायरों की कंडीशन बिल्कुल ओके की आवाज है मजीद ये वाला कुप्पा जो देख सकते हैं पंचर लगा हुआ है देसी तरीके से लेकिन सुराख मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ ये देखें सुराख को छुपाने के लिए उसके ऊपर टेप लगाई गई है दोस्तों होशियार हो जाएं और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मैं आपको गाड़ी की अच्छे तरीके से तसली करवा दूं जी दोस्तों मैं गाड़ी की तस्वीरें लेके या एक दो मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको गाड़ी दिखा सकता हूँ तो मैं ऐसा हरगज़ नहीं चाहता कि कोई मेरा भाई कोई दोस्त दूर से आए और मौके पर परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं ऐसा हरगज़ नहीं चाहता मेरी कोशिश यही होती है जो भी मेरा दोस्त भाई आए वीडियो देखे और वही चीज़ मौके पर उसको मौजूद मिले गाड़ी पसंद आना या ना आना वो अलहदा बात है जो भी मैं कंडीशन वीडियो के अंदर बताऊँ गाड़ी की उसमें कोई फर्क ना आए तो मजीद इनशा आप दोस्तों का अगर मुझे प्यार मिलता रहा तो इनशाला आपको अच्छी अच्छी वीडियोज यहाँ पर मिलती ही रहेंगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से चैनल को लादमी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है तो कोशिश करके मेरा भाई आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा ना ही आपका कोई ख़र्चा होगा ना ही वीडियो को लाइक करने से आपका कोई नुकसान होगा वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर न, आ, आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से वो भी कर लें और साथ वाली जो नोटिफिकेशन का बटन होता है बेल आइकॉन घंटी का बटन उसको लाजमी दबाएँ उसका फायदा सिर्फ यही होगा जैसे ही मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूंगा आप भाइयों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाड़ी का जो कैबन का फर्श है यहां पर गाड़ी रंग की गई है इस गाड़ी का जो इंजन गेयर हिस्सा बिल्कुल ओके बड़े हिस्से में दोस्तों ये गाड़ी है टायर बिल्कुल ओके क्लियर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर मजीद मौके पर आने के बाद आपने गाड़ी की अपनी तसली भी करनी होगी मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं जो भी कमी पेशी में गाड़ी के अंदर देखूं वो आपको वीडियो के अंदर वाजे दिखा सकूं गाड़ी के टायरों की कंडीशन जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया न्यू कंडीशन है टायरों की और नीचे से गेयर वगैरह देख सकते हैं इंजन गेयर हिस्सा गाड़ी का बिल्कुल ठीक है दोस्तों मैंने बल खुद पहले गाड़ी की ट्राई भी ली स्टार्टिंग भी चेक की और आ, मैं आप आपको बैक साइड गाड़ी की दिखा देता हूँ लाहौर का नंबर लगा हुआ है क्योंकि लाहौर के नंबर वाली गाड़ी की डिमांड ज़्यादा होती है 2006 मॉडल लाहौर का नंबर लगा हुआ है बड़े हिस्से में ये गाड़ी है इंजन के हिस्सा इस गाड़ी का बिल्कुल ठीक है हूडाई शाह लोडर वहीकल आप भाइयों की खिदमत में हाजिर है स्टपनी मौके पर मौजूद नीचे से है गाड़ी बिल्कुल साफ मैं आप भाइयों को इस गाड़ी का फ्रेम नंबर भी दिखा देता हूं गाड़ी की तसली करें और दोस्तों हमारी जो लोकेशन है वो तहसील आरुफ वाला जिला पाकपतन आने से पहले रब्ता जरूर कर लिया करें हो सकता है आप एक गाड़ी देखने के लिए आए मैं आपको और भी कुछ गाड़िया दिखा सकू रा करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपका जो चक्कर है वो जाया ना जाए न्यू टायर आप देख सकते हैं बड़ा हिस्सा और अब मैं आपको गाड़ी का फ्रेम नंबर भी दिखा देता हूँ फ्रेम नंबर बिल्कुल क्लियर और दोस्तों अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो रहा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप हमसे राता कर सकते हैं कोशिश किया करें व्हाट्सअप पर जो गाड़ी आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करें मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है और मजीद आपने गाड़ी की तसली कर ली होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर करें अब चलते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड मुझे बताई गई है इक्कीस लाख पचास हजार रुपये इस गाड़ी की डिमांड है मौके पर इनशाला मजीद कोशिश करेंगे कमी पेशी हो जाए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें मिलते हैं